जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारिक बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। तो आइए आज हम इन्हीं बातों के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आम तौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों? ये बात आज भी रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कोई भी नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर के एक कदम बाहर निकलोगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही है या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर आज तक कोई पक्षी गुजरा ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से आज तक हवाई जहाज भी नहीं उड़ सका है। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम ही नहीं पड़ता। चाहे 10-12 हजार लोग आए या 10 लाख लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद हो जाता है, वैसे ही यहाँ का प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर की तीनों मूर्तियाँ प्रत्येक 12 वर्ष में बदल दी जाती हैं। यह मूर्ति मिट्टी या पत्थर की ही नहीं, बल्कि यह चंदन की लकड़ी से बनी होती है। इन मूर्तियों को हर 12 वर्ष बाद बदले जाने का विधान है, क्योंकि पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पंडितों के हाथों में दास्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली जाती, इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकाल कर ही नई मूर्तियों में डाल दिया जाता है। मंदिर से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत रहस्य भी है कि इसके मुख्य गुंबद की छाया दिन के समय में भी जमीन पर नहीं पड़ती है। इसके अलावा भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता, लेकिन सिर्फ जगन्नाथ जी का एक ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर यह ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन के लिए भी अगर यह ध्वज नहीं बदला जाए, तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर में मौजूद कल्प वृक्ष सतयुग के दौरान से यहाँ पर स्थित है। इस कल्प वृक्ष की खासियत ये है कि यहाँ मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ आपको मन्नत मांगने के बाद अपना कोई सबसे प्रिय एक फल एक साल के लिए त्यागना पड़ता है। यहाँ मन्नत मांगने के लिए हर व्यक्ति को यहाँ मौली धागा से बांधकर अपनी मन्नत मांगनी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि उसकी मन्नत पूरी होते ही ये धागा अपने आप टूटकर ही जमीन पर गिर जाता है।